मौसमी ने नहलाया अबीर को गंगा जल से, पूरी रात बिताई है अबीर ने बदनाम गलियों में, नीरजा ने किया है अपनी माँ से बड़ा वादा। हाय गाइस, मैं हूँ जानवी, वेलकम करती हूँ आपका चैनल की तरफ से। दरअसल बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल नीरजा की, जिसके आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जहां पर हमने अब तक ये देखा कि किस तरीके से अबीर नीरजा के पास था, नीरजा पर पैसे फेंके और किस तरीके से अबीर के लिए नीरजा नाची भी, तो यहां पर अबीर जो है नशे की हालत में बेहोश होता हुआ भी दिखाई दिया। इतना ही नहीं, अबीर जो है वो बेहोश हुआ और नीरजा ने उस पर पानी डाला और साथ ही साथ उसे होश में भी लाई और ये भी कहा कि अगर मैं मैली हूँ तो तुम भी मैले अब हो चुकी हो। अब ऐसे में अबीर अगले दिन जाता है अपने घर, घर वालों को पता चलता है कि ये तो भाई पूरी रात बदनाम गलियों में रहा। यहाँ पर मौसमी का पारा हाई हो जाता है, घर वालों के सदस्यों का गुस्सा फूट जाता है कि तुम कहाँ एक ऐसी अशुद्ध अपवित्र जगह गए हो जहाँ तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। अब ऐसे में अबीर को मौसमी जो है गंगा जल से नहलाती है और ये भी कहती है कि तुम्हें अपना ये भूत जल्द से जल्द उतारना होगा। इतना ही नहीं, नीरजा भी जो है अगले दिन जाती है प्रतिमा से मिलने के लिए। प्रतिमा उसे अपने जीवन की सीख देती है कि दीदून से लड़ना, दीदून से हारना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये लड़ाई अकेले ही लड़ी, जहां पर भी पहुंची अकेले ही पहुंची। अब ऐसे में नीरजा को भी वो समझाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नीरजा भी उनसे कहती है कि ठीक है, अगर मैं अकेली हूँ तो अकेले ही मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। जहाँ एक तरफ दीदूर से नीरजा अपनी पहचान के लिए लड़ेगी, इस जो गंदी गलियां जिन्हें कहा जाता है सोना कांचे की गलियां, उन गलियों से निकलने की कोशिश करेगी, तो वहीं पर दूसरी ओर अबीर और नीरजा का भी एक ऐसा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा कि अबीर को जब पता लगेगा नीरजा के बारे में तब क्या होगा, या फिर अबीर जो है क्या करेगा अब नीरजा के साथ, क्योंकि अबीर के घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि वो नीरजा से मिले जुले या फिर सोना कांची की गलियों में दोबारा जाए। वेल, आने वाला जो समय है, आने वाला जो एपिसोड है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।